मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे ना? तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जैसे बाहर हाथ, पैर, नाक, हम सब लोगों को दिखते हैं जो बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में अंदर होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारी बॉडी को ठीक तरह से संचालित करते हैं। जैसे ब्रेन, अगर ब्रेन नहीं होगा तो हम सोचेंगे कैसे, है ना? दूसरा हार्ट एंड किडनी। ओके, अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन से सारे फंक्शन कनेक्टेड रहते हैं। ब्रेन से हम सोचते हैं, जैसे ही हम पे अगर हमारे पास कुछ गर्म चीज आती है, हॉट चीज हमारे पास आती है, तो हमारा ब्रेन तुरंत हमको बता देता है कि ये हॉट है, हाथ हटा लो अपना वहां से, नहीं तो आपको जल जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, तुरंत बताता है ना। तो ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन इंटरनल ऑर्गन होता है। दूसरा होता है हार्ट। जो हार्ट रहता है, वहां से हमारी हार्ट बीट आती है। आप सब लोग अपनी हार्ट बीट देखिएगा, ठीक है? अब हार्ट क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको प्योर करता है, प्योर करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इम्प्योर ब्लड मतलब हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी थोड़ा सा जो खराब वाला ब्लड होता है ना, वो भी होता है, लेकिन हार्ट के पास जैसे ही वो खराब ब्लड जाता है, तो हार्ट क्या करता है, उस खराब ब्लड को अच्छे वाले ब्लड में चेंज कर देता है और फिर हमारी पूरी बॉडी में भेज देता है, तो जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, है ना। और लास्ट वन जो मैंने आपको बताया था वो है किडनी। किडनी कैसी होती है, आपने कभी राजमा देखा है? किडनी बीन्स राजमा खाया होगा ना आपने, मम्मा बनाती है, सेम उसी आकार के किडनी रहती है, जो कि हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करती है। मींस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी के लिए कोई काम के नहीं होते हैं, वो उसे फिल्टर करके बॉडी के बाहर भेज देती है। ओके, तो आज हमने थ्री इंटरनल ऑर्गन्स को समझा, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। आप लोग याद करेंगे ना? बाय।